हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ये और एक व्लॉग है, मैंने 22 तारीख को बनाया था। भाभी जी के यहाँ कीर्तन था तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उस पर ही बनाया था। तो कुछ भक्ति वीडियो भी बहुत लोगों को पसंद आते हैं, तो आज ये व्लॉग उन व्यूवर्स के लिए होने वाला है। जब से रूटीन व्लॉग जाने लगे हैं तो ये व्लॉग पड़ा रह गया, तो हमने कहा आज इसको फाइनली हम एडिट करके डाल ही देते हैं, क्योंकि संडे को मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बस थोड़ा भी बहुत ही किया था, तो वो किसी भी वीडियो में वो क्लिप मिल जाएगी। बाकी मैंने संडे को कोई वीडियो नहीं बनाया, और ये गारंटी है कि आज के व्लॉग में आप लोग बोर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो माता रानी के भक्त हैं उनको तो भजन पसंद ही आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा झूम उठेंगे आप लोग। और जिनको इंटरटेनमेंट चाहिए तो वो भी बीच बीच में हुआ है, तो व्लॉग छोड़कर कहीं जाइएगा मत, बने रहिए। तो आज है भाभी जी के यहाँ कीर्तन, तो आज हम वहीं जा रहे हैं और इसी के लिए रेडी हो रहे हैं, मतलब जो बगल वाला घर है ना भाभी, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत देखते हैं कि व्लॉग बना वहाँ का, थोड़ा बहुत अगर बना पाए तो अच्छा ही रहेगा। कीर्तन होंगे, यहाँ के कीर्तन तो बहुत गजब के होते हैं, सच में सब बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरा इतना मन होता है कि मैं भी वैसे ही गा पाऊँ, लेकिन नहीं होता। अकेले भले ही थोड़ा बहुत अच्छा गा लो, ढोलक में तो उसमें तेज़ गाना होता है ना, और जैसे तेज होता है वैसे ही मेरा गला फट जाता है। तो चलो देखते हैं, सब बहुत अच्छा अच्छा गाएंगे तो शूट करेंगे वहाँ का, ठीक है। ये गाने मैंने फुल वीडियो वाले बनाए हैं, लेकिन फिर व्लॉग बड़ा हो जाएगा तो ये सब गाने मैं अलग मतलब वीडियो अपलोड कर दूंगी इन गानों के, तो बहुत प्यारे गाती हैं ये।
Thank you.
Thank you.
तो आज सिर्फ भाभी जी की एनिवर्सरी नहीं है, उनकी ननद की भी है, जो ये गाने बहुत अच्छे अच्छे गाती है ना। इनकी तो शादी को 25 साल होने वाले हैं, तो प्लीज़ विश कर दो भाई, तो सबको मतलब दोनों लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-2.5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। मिल गया प्रसाद तो अब निकल लेते हैं भाई, हो गया सब कुछ। और एक बार एनिवर्सरी ज़रूर विश कर दीजिएगा भाभी जी की। और ये मुझे डब्बा मिला है, उन्होंने ही दिया है, मतलब सबको ही दिया है। तो हमने खोला के यहाँ पे तो ये था सब कुछ, जो कि मैं अब खा नहीं सकती हूँ, तो मैंने सब रख दिया था। अनु आए तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, भैया हमने तो बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लग रही है एक्सरसाइज में, तो फिर उल्टा पुल्टा खा के मुझे ये बढ़ाना नहीं है वेट। चलिए बाय बाय।